नमस्कार, स्वागत है आपका मॉम्स किचन में। तो आज हम बना रहे हैं फिर से एक राजस्थानी व्यंजन दाल ढोकली। वैसे तो बहुत से लोग ये दाल ढोकली मूंग की दाल या अरहर की दाल के बनाते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ आज मिक्स दाल और मसाला ढोकली, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो दाल ढोकली बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप अरहर दाल, 1/4 कप चने की दाल, 1/4 कप काली मसूर की दाल और 1/4 कप हरे छिलके वाली मूंग की दाल। आप चाहें तो बिना छिलके वाली धुली हुई मूंग की दाल भी ले सकते हैं। अब इन दालों में पानी डालकर 2-3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। वैसे तो आजकल दाल साफ आती है, लेकिन फिर भी एक बार दाल बनाने से पहले उसे चुककर साफ कर लें। और जब भी आप दाल बनाएं तो उसे धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाजार में इस पर पॉलिश करके एक वाइट पाउडर लगाया जाता है जिसे हमें साफ करके हटाना होता है। तो देखिए, दाल धुल के साफ हो गई है। अब हम इसमें पानी डालकर इसे आधे घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। भिगोकर बनाने से दाल जल्दी भी पक जाती है और अच्छी भी बनती है। तो अब दाल भीगती है, तब तक हम ढोकली तैयार करते हैं। ढोकली बनाने के लिए मैंने एक बाउल में लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा और 1/2 कप बेसन। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी और 1/4 चम्मच मीठा सोडा। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ढोकली को और सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप तेल। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। मैंने इसमें लगभग 1/2 कप पानी का यूज़ किया है। तो ये लीजिए, मसाला ढोकली का सॉफ्ट आटा लगकर तैयार है। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद आटा अच्छी तरह से भीग गया है। अब इसमें से हम थोड़ा आटा लेंगे और इसका एक गोला बनाएंगे और इसे चकले पर बेलन की मदद से एक रोटी की तरह गोल बेलेंगे। अब आप इन ढोकलियों को अपने मनपसंद आकार में काट सकते हैं। मैंने यहाँ लंबे लंबे स्ट्रिप्स काटे हैं और इसके बाद मैं इन्हें तिकोने शेप में काट रही हूँ। आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी गोल लोइयां भी बना सकते हैं। इसी तरह सारे आटे की लोइयां बनाकर और उन्हें अपने मनपसंद आकार में काटकर हम ढोकलियां तैयार कर लेंगे। अब हम एक कुकर लेंगे, इसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल। मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज किया है। आप जो भी तेल खाते हैं उसमें या फिर घी में भी इसे बना सकते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 1/4 चम्मच हींग और भीगी हुई दाल। इस तरीके से बनाने से ये दाल ढोकली बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनती है। अब इसे तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसमें थोड़ा रंग लाने के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इन सभी को दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट के लिए इन मसालों को भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच किसी हुई अदरक और इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 4 कप पानी। अब पानी को मिलाकर एक उबाल आने तक इसे उबलने देंगे। पानी उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ढोकली। सर्दियों में घी डालकर ये गरम गरम मसाला ढोकली बहुत ही अच्छी लगती है। अब एक बार इन ढोकलियों को दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और बस कुकर का ढक्कन लगाइए और मीडियम फ्लेम पर इसे 4 सीटी लगा लीजिए। 4 सीटी के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी मसाला दाल ढोकली। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सर्व करते समय घी। तो इन सर्दियों में आप भी बनाकर खाइए एक बार गरम गरम मसाला दाल ढोकली और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
मिलती हूँ आपसे फिर से एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।